नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण में प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ भोज्य पदार्थों का संरक्षण का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में भोज्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो घर में खाना बनता है उसका हम किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं, कैसे उसे हम किस समय उसे खा सकते हैं और कब तक उसे खाया जाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं प्रश्न बैंक नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रश्न बैंक जो नवाचार है ये छात्रों के अधिगम स्तर को बढ़ाता है। जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ है वह उसी से स्वयं से निर्मित प्रश्नों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है और जिसमें कि उन प्रश्नों का दोहराव भी ना हो। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो नवाचार का क्रियान्वयन जब किया जाता है प्रश्न बैंक का, तो इसमें से जो भोज्य पदार्थों का संरक्षण है उनकी जो जानकारी है कि किस समय से खाया जाना चाहिए किस समय नहीं खाया जाना चाहिए और भोज्य पदार्थों की उपयोगिता पर ये की जानकारी जो है वो दोहराई जा सकती है इस नवाचार के क्रियान्वयन से। आइए हम बात करते हैं नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। इस नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को सर्वप्रथम छात्रों को 7 अलग अलग समूह में बांटना होता है। उसके बाद छात्रों से कहा जाता है कि वे व्याख्यात्मक, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्माण उन्हें करना होता है। प्रत्येक समूह में से एक एक उनका प्रतिनिधि नेता या लीडर चुना जाता है, जिससे वह जो प्रश्न बनाए गए हैं उन प्रश्नों का दोहराव ना हो उन्हें एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, संकलित किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक छात्र से ये भी कहा जाता है कि जो भी वह प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं उसी के साथ उसके उत्तर कुंजी भी वह तैयार करें, जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के प्रश्न होने के साथ साथ उसका उत्तर भी उन्हीं के पास हो। और उसके पश्चात फिर सभी जो लीडर हैं उनसे कहा जाता है कि वे अपने जो प्रश्न हैं उनको आपस में एक दूसरे से वितरित करें। तो सभी समूह के छात्र एक दूसरे से इन प्रश्नों को वितरित करते हैं और इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाता है, जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास प्रश्नों का भंडार होता है और साथ ही में उसके उत्तर भी उनके पास होते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके के प्रश्नों का निर्माण प्रस्तुत पाठ भोज्य पदार्थों का संरक्षण में से किया जाता है। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि जो भोज्य पदार्थ हैं उन्हें कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें भोज्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु में। ऐसा क्या होता है जिसमें कि गर्मी के मौसम में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, तो इसका उत्तर है कि गर्मी के मौसम में जो विषाणु हैं वे अधिक तेजी से प्रगति करते हैं, जिससे कि जो भोजन है वो जल्दी खराब हो जाता है। भोजन के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? भोजन के खराब होने का मुख्य कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण प्रस्तुत पाठ में से किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन से जो छात्र हैं वे ये सीख पाते हैं कि जो उनके थाली तक भोजन आता है वह किस तरीके से और कितनी मेहनत के बाद पहुंचता है, कैसे उसमें जब फसल बोई जाती है तो किस तरीके से उसमें जो किसान है वो खाद डालता है, मेहनत करता है, बीज बोता है, फिर खाद डालता है, उसमें खाद डालने के बाद फिर उसकी कटाई करता है, फिर वह अनाज मंडियों तक पहुंचता है, मंडियों से घरों तक पहुंचता है। वो घर में भी जो माता है जो खाना बनाती है वो कितनी मेहनत करती है और उसके बाद वो वहाँ तक पहुंचता है, इसलिए उसका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। बाकी जो भाषा है उसकी बारीकी को देखते हुए वे अपनी मौखिक भाषा भी करते हैं और अपरिचित जो शब्द आते हैं उनके जो उत्तर है उनके जो अर्थ है वह शब्दकोश से छात्र ढूंढते हैं। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित होता है और उसके प्रतिफल के बारे में मैंने आपको बताया। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले छात्रों में वो सीधे तौर पर तो इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं जो बनाए जाते हैं वह दूसरे छात्रों का सहयोग ले सकते हैं और प्रश्न और उनके उत्तर समझ सकते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है इसको सितंबर माह में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र को अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सके। प्रस्तुत पाठ में जो प्रस्तुत पाठ है भोज्य पदार्थों का संरक्षण, इसमें आज हमने जो नवाचार प्रश्न बैंक इसका क्रियान्वयन समझा, इस पर प्रस्तुत पाठ में और भी कई सारे
नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।